डाबर रेड पेस्ट देता है सात डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा। तो अब शुरू होता है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त राजश्री त्रिवेदी। ये तो आप जाने गए हैं कि आज कुछ बातें कुछ गीत में हम बात करने वाले हैं कुमार सानू की। आपके बहुत सारे संदेश कमेंट्स हमारे पास हैं, कुछ सवाल हमारे, बहुत सारी बातें आपकी। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे का, कितनी दिलकश आवाज, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे का, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। इस आवाज से आप सब परिचित हैं। इस सुप्रसिद्ध इस गीत को गाने वाले आप सब ने इन्हें प्रेम भी बहुत करते हैं। तभी तो उन्होंने लगभग 20,000 से अधिक गाने गाए और अन्य भाषाओं को मिलाकर। तो बताएं ये इस गीत को लिखा किसने था? दिल को जलाने लगी, दिल रुबा तू मुझे नखरे दिखाने लगी, गैरों की बाहों में इठला के जाने लगी, ये तेरी बेरुखी मुझको सताने लगी, छोड़ो जी छोड़ो सनम, जिद अपनी छोड़ो सनम, नाजुक है दिल ये मेरा, दिल को ना तोड़ो सनम, दिल को ना तोड़ो सनम, ये लंबी लंबी रातें आकर ले मुलाकातें, जाने क्यों दिल ये मेरा तेरा ही होना चाहे, उसे में लाल ना कर ये गोरे गोरे गाल, ये काली काली आंखें,
5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। इसके अलावा स्क्रीन अवार्ड भी उन्हें मिला। और आप सबने बहुत सारे संदेश हमें भेजे हैं उनके शुभकामनाएं देते हुए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपने लिखकर भेजा है कि मधुर गीत सुनकर हम दर्शन का मंत्र गए। इनकी आवाज में वो कशिश है, वो जादू है जो दुनिया को पागल कर देती है। जी हाँ, और पुराने गीत के शौकीन रही हूँ और कुमार सानू का पदार्पण हिंदी फिल्मी सिने गीतों में तब हुआ था जब किशोर दा और रफी जी संसार को अलविदा कह चुके थे। आप लिखती हैं, और 90 के दशक में आंधी की तरह आए और पूरे परिदृश्य पर छा गए। छह महीने पहले आप किसी संगीत कार्यक्रम में उनको आपने सुना अलका याग्निक के साथ। वो कार्यक्रम कर रहे थे और इतनी भीड़ हो गई थी कि आपको वहां से जाना पड़ गया। एक दिन में 28 गानों का रिकॉर्ड करने वाले ये एकमात्र गायक हैं। आपने लिखकर भेजा है, उन्होंने 10,000 गाने गाए और आज के दौर के संगीत के बारे में वो कहते हैं कि आज के संगीत से मेलोडी, सुर, ताल आदि कहीं गुम होता जा रहा है। तो आपने हमें लिखकर जवाब भेज दिया ना बाजीगर का। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। बिल्कुल सही जवाब है, देव कोहली ने इस गीत को लिखा था फिल्म बाजीगर के। और अभी जो गीत आप सुन रहे हैं फिल्म जर्म का, आपको बताना है कि ये गीत किन पर फिल्माया गया था। डाबर हनी खा लो, गिल्ट फ्री मीठा चाहिए, डाबर हनी खा लो, न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है, और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है। डाबर हनी के फायदे हैं मेरी, फायदे मेरी डाबर हनी। फायदा नंबर वन, करेगा इम्यूनिटी बूस्ट। फायदा नंबर टू, करेगा स्टैमिना इम्प्रूव। फायदा नंबर थ्री, करोगे तुम अग्री, हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वाना फ्लाई लाइक अ बी। डाबर हनी के फायदे हैं मेरी, फायदे मेरी डाबर। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। क्या बात है, सब बिल्कुल सही उत्तर लिखकर भेज रहे हैं। जी हाँ, इस गीत को फिल्माया गया था विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री पर, और एक पार्टी सीन था जब इसको फिल्माया गया था इस गीत को। और 90 के गीत सुनवा रही हैं, पुराने दिन प्यारे दिन याद आ रहे हैं, तो याद कीजिए और खुश हो जाइए। और हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं, बात उस दौर की है जब टेप रिकॉर्ड या कैसेट प्लेयर का चलन था और अपने शबाब पर था। वर्ष 1988-89 के आसपास गुलशन कुमार की कंपनी ने कैसेट में यादें नाम से एक एल्बम निकाला जिसमें पुराने गीतों को नए सिंगरों के साथ, जैसे रफी जी, विपिन सचदेवा, मुकेश जी के लिए बाबला मेहता, इस तरह से करके उन्होंने लॉन्च किया था। और वहीं से कुमार शानू जी ने पार्श्व गायकी की दुनिया में अपना कदम रखा। संगीतकार कौन है जल्दी बताइए। Indulge in opulence at Pratik Cannery, Sector 150 Noida. Luxurious residences and penthouses. Experience the luxury of panoramic green views. Launching new towers. One of a kind. Super luxurious. Pratik Cannery. Book now and avail inaugural benefit up to 50 lakhs. Call 9971-750-750. Tujhe chahana mera kaam.
तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। जानम आई लव यू, यू लव मी, जानम आई लव यू, यू लव मी। के साए चिलमन बनाए आ मैं दीवानी, इनको हटा दूं, देखूं तेरा चेहरा। अली खान और काजोल, यही याद आ रहा है, लेकिन बताना तो आपको ये है ना कि इसके संगीतकार कौन हैं? आपने बिल्कुल सही लिखा है कि कुमार सानू आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जा मिटा दूं दूरी जरा सी, हो ना कोई फासला। सही है, ये फिल्म ये दिल्लगी का गाना है लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में, लेकिन ये तो बताएं संगीतकार। तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। जतिन ललित गलत है और सही आंसर है बिल्कुल दिलीप सेन, समीर सेन। अपनी मेहनत से उन्होंने ये स्थान बनाकर अपना नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। आपने लिखा है किशोर कुमार जी के निधन से जो स्थान रिक्त हुआ था उसे भरने में वे काफी सफल हुए और पहली बार 1990 से 91 में जब आशिकी और फूल कांटे फिल्म जैसे गाने सुने तभी से वो सबके चहेते गायक बन गए। आप सबके संदेश भी तो पढ़ने हैं मुझे।
लिखकर भेजा है, उनका नाम क्या था, उनका नाम कैसे बदला, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने पहुंचाई है। बचपन में उन्हें छानू कहते थे, छानू, बाद में बोलते बोलते शानू हो गया। मुझे बताएंगे कि उन्होंने लता जी के साथ पहली बार कौन सा गीत गाया था? फिल्म का नाम अगर बता दें तो मजा आ जाएगा। आपने लिखकर खुद ही बता दिया है इस फिल्म का नाम और किसके ऊपर फिल्माया गया था वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि आपको बताना ये है कि लता जी के साथ उसने पहला गीत कौन उन्होंने गाया था, फिल्म का नाम आपको बताना था। सावन में पहली बार लता जी के साथ उनको गाने का मौका मिला था, बहुत नर्वस थे लेकिन उनका पैर छुआ, लता जी का आशीर्वाद लिया और फिर बंगाली हिंदी में कई गाने उनके साथ गए। लेकिन उनका नाम क्यों बदला गया आप में से किसी ने लिखकर नहीं भेजा, आप सबने लिखकर भेजा है कि कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें ये सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि तुम अपना नाम बदल लो। क्यों? उन्नीस के दशक के गाने ने तो धूम मचा दी थी। हमारे श्रोता ने लिखा है किशोर कुमार जी की कमी को उन्होंने कुछ हद तक पूरा किया और वैसे भी कुमार सानू किशोर कुमार के फैन थे। उन्होंने एक दिन में रिकॉर्ड ब्रेक 28 गाने गाए थे, उन्हें 7 बार फिल्म अवार्ड मिला। आप लिखकर भेजते हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसे मशहूर मीठे गायक हैं जिन्होंने कई फिल्म में सुपरहिट गाने गाए और सबका मनोरंजन किया, आवाज में बहुत कशिश है। कई गीत कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, अलका याग्निक, लता मंगेशकर के साथ भी गाए जो आज भी हम सुनते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं इनके गीत। और विविध भारती का धन्यवाद कि हमें ये गीत सुनने को मिल रहे हैं और यही प्रार्थना है कि कुमार सानू स्वस्थ रहें। अब ये बताएं कि ये जो गीत मैं सुनवाने जा रही हूँ इसमें नायिका कौन है इस गीत में? हाथों में लेके हाँ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाँ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, वे जीवन
जीवन साथी हम दिया और बाती हम तारी है बाराती चांदनी है ये बारात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हार सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हार जीवन सुपरहिट फिल्म आशिकी जब आई तो उसके गीत बहुत हिट हुए और उस समय कर्णप्रिय भी लगते थे क्योंकि वो उम्र ही ऐसी थी। अब उन गीतों की जगह पुरानी गीतों ने वापस ले लिया। आप लिखकर भेजती हैं। गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन सजनी तेरा मेरा सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी दिया और बाती जीवन साथी सानू के बारे में आपको बहुत कुछ बातें तो हैं अगर हम लिख देते तो आप पढ़ते भी नहीं है तो समझ में नहीं आता क्या करें कितने दुखी हैं आप मुझसे। मैंने 3-4 बार आपके द्वारा प्रस्तुत कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में कमेंट्स लिखे थे मगर आपने नजर अंदाज किया था। अब तेरे बिन क्या अब तेरे बिन जी लेंगे हम कैसे जियेंगे विविध भारती के बिना नहीं जिया जा सकता है हुजूर हम इतना मनोरंजन जो करते हैं आपका। लोग पढ़ ले आना कमेंट्स अब आगे लिखे के सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। जी हाँ पूजा बत्रा और अनिल कपूर पर यह गीत फिल्माया गया था फिल्म विरासत से। और कुमार सानू जी के तो बचपन से ही हम फैन हैं। आपने लिखकर भेजा है मुझे हम तो स्कूल में जब कभी गीत गाने का मौका मिलता था तो कुमार सानू जी के ही गीत होठों पे सजे रहते थे क्योंकि उनके गीत ज्यादा सुनती थी तो उनके कुछ सॉन्ग्स पूरे के पूरे याद रहते। हालांकि मेल वर्जन सॉन्ग्स की वजह से थोड़ी दिक्कत तो होती थी पर फिर भी लिरिक्स के हिसाब से गाने सेलेक्ट कर लेती थी। खैर मेरी गायकी को तब खूब सराहना मिल जाती थी तो अब भी गाती है ना या गाना छोड़ दिया और अगर छोड़ दिया है तो बहुत ही गलत बात है फिर से गाना शुरू कर दें आप। और कुमार सानू का पूरा नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है। 20 अक्टूबर 1957 को उनका जन्म हुआ। आपने लिखकर भेजा है हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक हैं यह हमें भी पता है और तभी तो हम उनकी बात कर रहे हैं वो प्रसिद्ध गायक हैं। फिल्म
त्रिमूर्ति के असफल रहने के बाद निर्देशक सुभाष घई अपनी फिल्म परदेश का निर्माण कर रहे थे और इस फिल्म के लिए सुभाष घई ने बहुत मेहनत की थी, कई बड़े कदम उठाए थे। तो उन्होंने परदेश में सलमान खान, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान जैसे स्टार कास्ट को लेने की जगह नए कलाकारों के साथ काम करने का फैसला किया। और इसी तरह सुभाष घई ने फिल्म परदेश में महान संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जगह नदीम श्रवण के साथ काम करने का निर्णय किया। और सुभाष घई चाहते थे कि उनकी फिल्म में नया फ्लेवर हो तो दर्शकों जो के दिल को छू सके, तो उन्होंने कुमार सानू को उसमें लिया। क्या बात है। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। फिल्म का नाम बताएं, ये जो गाना आप सुन रहे हैं ये कौन सी फिल्म से हमने लिया है? हम तो रफी लता से आगे कुछ जान ही नहीं पाए, हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है। चलिए हम आपको ये बताएं, हमने आपसे पूछा था कि उनका नाम तो छानू था, छानू से शानू हो गया, लेकिन नाम बदलने के लिए सजेस्ट किया कल्याण जी आनंद जी ने, लेकिन क्यों? उसका जवाब बस यही था कि लोग ऐसा मानते थे कि ये बंगाली हैं, भट्टाचार्य इनका टाइटल है, तो शायद ऐसे लोगों में हिंदी और उर्दू जो है वो बहुत साफ नहीं बोल पाते, तो अपना टाइटल हटा दो, ये सजेस्ट किया गया था। तो उन्होंने बस अपना नाम कुमार शानू कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही साफ सुंदर आवाज, डिक्शन, सब कुछ। अच्छा, कौन सा प्रश्न कठिन था जो आपने लिखकर भेज दिया? सब इजी इजी तो पूछ रही हूँ आपसे। जमाने में भला कैसे मोहब्बत लोग करते हैं, जमाने में भला कैसे मोहब्बत लोग करते हैं, वफा के नाम की अब तो शिकायत लोग करते हैं।
कुमार सानू के पिताजी स्वयं एक अच्छे गायक और संगीतकार थे। उन्होंने ही कुमार सानू को गायकी और तबला वादन सिखाया था। किशोर कुमार को अपना आदर्श मानने वाले सानू ने अपनी गायकी में अपना खुद का अलग अंदाज बनाया और घर पर ही शुरू से संगीत की परंपरा थी, इसलिए वो सीखते थे। माँ भी गाती थी, बड़ी बहन भी रेडियो में गाती थी और आज भी वो पिताजी का संगीत स्कूल चल रहा है। इसी तरह परिवार के माहौल में सानू को एक अच्छा गायक बना दिया और करीब 350 से अधिक फिल्मों में भी वो गाना गा चुके हैं और भी बहुत कुछ लिखकर भेजा है। आपने इसका जवाब गलत लिखकर भेजा है। जी नहीं, तब्बू पे ये गाना नहीं फिल्माया गया था। कोई बात नहीं, अब मैं आपको अगला गाना सुनवा रही हूँ और आपको बताना क्या है। बताती हूँ, नहीं मैं एक अलग सा सवाल पूछने जा रही हूँ कि एक फिल्म आई थी राउडी राठौर और उसमें एक सानू का गीत था, कौन सा गीत था वो? जल्दी लिख कर भेजिए। अमरे दांत से बगन्ना सब मजे में खाएं क्योंकि हम लगाएं लाल डाबर लाल लाल डाबर डाबर रेड पेस्ट देता है सांस डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा। डाबर रेड पेस्ट देश का लाल। अरे उसका जवाब तो बता दूं, जिसे पहले आप गीत सुन रहे थे, फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। जी हाँ, आंखें हैं भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, छोड़ जाऊंगा इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि क्योंकि अचानक किशोर कुमार दुनिया को अलविदा कह गए तो लोग सदमे में थे और उसके बाद उनको ये मौका मिला। ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। किशोर कुमार थे उस वक्त और लोगों का कहना था कि आप उसी तरह से गाते हैं तो आपको लोग क्यों गवाएंगे। ये एक बात थी, लेकिन ये भी एक तरह का र्यूमर था, अफवाह था जो लोगों ने फैलाया था, जो मीडिया ने फैलाया था, ऐसा कहा जाता है। उनकी आवाज में किशोर कुमार की झलक जरूर सुनाई पड़ती थी और फिल्म आशिकी बन रही थी तो महेश भट्ट साहब ने उनको गाने का मौका दिया। हमारे एक श्रोता हमें लिखकर भेजते हैं, जो इतना सुपर हिट हुआ कि उसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला। छोड़ जाऊंगा तेरे चेहरे पे अपनी
बिल्कुल सही जवाब आपने लिखकर भेजा है, छम्मक चलो। जी हाँ, राउडी राठौर में ये गाना सानू साहब ने गाया था। और अभी बहुत सारे जवाब जो पुराने हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके संदेशों को ज्यादा से ज्यादा शामिल कर लूं, यही मेरी कोशिश है। मेरे ख्याल से शायद पहली बार 90 के दशक के सुपरस्टार गायक को कार्यक्रम की कुछ बातें कुछ गीत में, शायद ख्याल से कैसी बातें कर रहे हैं आप। और अब अगला गाना, बहुत सुपरहिट फिल्म थी साजन, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाई थी और इसके सभी गाने हिट थे। लिखे किसने थे जल्दी बताएं मुझे कि इस गीत को किसने लिखा था। और ये एक SMS है जो मैं इस गीत के बाद पढ़ूंगी। पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। हेल्दी खाने की चॉइस है सही, फिर पीने में ऐसा क्यों नहीं सोचा है? कैलोरीज को किया आधा, फिर क्यों पिया कोल्ड ड्रिंक ज्यादा? सोचा है, सोचा है हेल्दी पीने का, कभी सोचा नहीं तो सोचो अभी। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाने के साथ हेल्दी पीना भी है जरूरी। स्विच टू रियल जूसेस जिससे मिले एनर्जी, इम्यूनिटी, मिनरल्स एंड विटामिन्स। रियल जूसेस, हर सिप में हेल्थ। हमारे दांत से बगन्ना सब मजे में खाए, क्योंकि हम लगाए लाल डाबर, लाल डाबर। डाबर रेड पेस्ट देता है सात डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा। डाबर रेड पेस्ट देश का लाल। में एक से एक सुपरहिट गाने गाए और मेरे जैसे कई लोगों को प्रभावित भी किया। एक दिन में 27 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। और आशिकी फिल्म ऑफकोर्स, वहां से उनका सुनहरा मौका शुरू हुआ, उनका सुनहरा सफर शुरू हुआ, फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने लिखकर भेजा है और ये है कि वे भारतीय राष्ट्रीय सेवा से शिकायत भी होती है कि ऐसे गानों को कम प्रसारित किया जाता, लेकिन आज तो मैंने जी भर के बजाए हैं। कुमार सानू जी ने एक फिल्म में भी काम किया था। अब आपको ये भी बताना है इसके साथ साथ कि इसके गीतकार कौन है, कि उन्होंने फिल्मों में काम किया था, तो क्या उस फिल्म का नाम आपको पता है और कौन से साल में? बहुत सारे जवाब हमारे पास बिल्कुल सही आ गए हैं। जी हाँ, इस गीत के गीतकार समीर हैं। और आपको अब ये बताना है, जो मैंने सवाल पहले पूछ लिया है कि क्या उन्होंने फिल्म में भी काम किया था, वो तो मैंने बता दिया किया था, आपको फिल्म का नाम बताना है।
न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेल्दी खाने की चॉइस है सही, फिर पीने में ऐसा क्यों नहीं सोचा है? कैलोरीज को किया आधा, फिर क्यों पिया कोल्ड ड्रिंक ज्यादा सोचा है? सोचा है हेल्दी पीने का, कभी सोचा नहीं तो सोचो अभी। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाने के साथ हेल्दी पीना भी है जरूरी। स्विच टू रियल जूसेस, जिससे मिले एनर्जी, इम्यूनिटी, मिनरल्स एंड विटामिन्स। रियल जूसेस, हर सिप में हेल्थ। पहला बिग जगजीत सिंह ने दिया था और उन्होंने जी हां कल्याण जानन जी से मिलवाया था। 1989 में उनकी फिल्म जादूगर के लिए कुमार सानू ने गीत गाया। झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन। छनछनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले, गूंजे ये धरती और गगन। पायले चुनमुन चुनमुन, झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन। छनछनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले, गूंजे ये धरती और गगन। पायले चुनमुन चुनमुन, झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन। जी हाँ, साजन के गीत समीर ने ही लिखे थे। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई मुझे आज अपने 90 के दशक के गाने सुनकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए हैं। राजश्री जी कितने अच्छे दिन थे ना। जवाब आ गया मेरे पास, बिल्कुल अनिल कपूर और तब्बू। जी हाँ, ये गीत उन पर फिल्माया गया था फिल्म विरासत से। मरे दाते बगन्ना सब मजे में खाए, क्योंकि हम लगाए लाल आडा बर लाल, लाल आडा बर। डाबर रेड पेस्ट देता है सात डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा। नदी बहती है झरझर, हवा कहती है सरसर, है फैली बात घर घर बेकार में। गोरिया गाए गुनगुन, साजना झूमे सुन सुन, प्यार में खोए है ये मन। झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन। आपने एक गलत हमें संदेश लेकर भेजा है, शायद आपको ना पता हो कि कुमार सानू के गीत नहीं। हाँ, आपने ये लिखा है कि बॉलीवुड को नई आवाज मिली यकीनन, और आशिकी तो बिल्कुल ठीक है कि कुमार सानू के गाने उसमें, लेकिन सागर जैसी आंखों वाली ये तो गीत जो है वो फिल्म सागर से था और इसे किशोर कुमार जी ने ही गाया था। जी हाँ, हिंदी फिल्मों में राज करने आ गए थे कुमार सानू, और बंगाल की फिल्मों में तो सफल हो ही चुके थे।
गोरी गोरी मैं थामू चोरी चोरी जरा सुन ओरी ओरी सुन तो जरा रहे तू महकी महकी चले तू बहकी बहकी लगे तू लहकी लहकी मुझको सदा लाओ मैं कलियां चुन चुन बाजे कतारा तुन तुन दोनों ही सुन के हो मगन आप लिखते हैं कि वो दौर ही बिल्कुल अलग था उस वक्त के युवा दिलों के पास प्यार की गहराई में उतारने वाले गीत ही नहीं थे कैसी बात करते हैं किशोर कुमार ने कितने रोमांटिक गाने गाए थे मुकेश ने रफी ने लिहा बिल्कुल नई आवाज एक जरूर सामने आई तो आप लिखते हैं कि भाई एक युवा मन की बात उसके साथ ही तक गीत के माध्यम से पहुंचा सके बस उसी समय नदीम श्रवण ने और गीतकार समीर ने प्ले बैक करके कुमार शानू की फिल्म आई आशिकी बिल्कुल सही है युवा के मन में प्यार में पढ़कर देखने की चाह बुलाने लगी और आशिकी के गाने सुपर हिट हो गए बिल्कुल 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 और अगला गाना कौन सा है ये गीत आपको बताना क्या है मैं बताती हूँ बताई देती हूँ आपको आपको बताना है कि इस गीत में सानू के साथ दूसरी आवाज कौन सी है बहुत आसान सा जवाब है मुझे पता है तुरंत लिख के आप भेज देंगे तुमसे ये वो कहती है दूसरा गीत मैंने सुनवाया था विरासत का पायलिया चुनमुन चुनमुन उसमें तब्बू जी साथ थे और इस गीत को जसपिंदर नरूला जी थी उनके साथ आप सब ने एक लाइन से सही जवाब लिखकर भेजा लेकिन आप में से अभी तक किसी ने लिखकर नहीं भेजा कि उनकी फिल्म कौन सी थी 1996 में उन्होंने एक ही फिल्म में काम किया था गाने भुवन भोरिये दिबो ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी क्योंकि फिल्मों में काम करना उन्हें बतौर उनके उनके शब्दों में बहुत बोरिंग लगा काजल का एक दिल तुम्हारे लबों पे लगा लूं चंदा और सूरज की नजरों से तुमको बचा लूं पलकों की चिलमन में आओ मैं तुमको छुपा लूं ख्यालों की ये शो हरदम तुम्हें सोचती है जब होश में होता है जहाँ मदहोश ये करती है कुमार सानू का भी एक दौर था उनके गाने बहुत प्रचलित हुआ करते थे और आज भी हैं मगर आशिकी के गानों ने तो धूम ही मचा दी थी आप लिखकर भेजते हैं और आपने लिखकर भेजा है कि कुमार सानू के सामने कई फिल्मों में मधुर गीत उन्होंने गाए और वो गीत हमें आज भी बिल्कुल पागल कर देते हैं आपने लिखकर भेजा है कि 28 गानों के रिकॉर्ड करने वाले ये एकमात्र गायक हैं जी हाँ
बिल्कुल जसपिंदर नरूला थे कुमार सानू के साथ उस गीत में. आप सबके मैसेजेस अभी तक हमारे पास, संदेश हमारे पास, कमेंट्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं. और जो ये अगला गाना है जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, आपको बताना है इस गीत के गीतकार कौन है. बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म इम्तिहान से. डाबर हनी खा लो, गिल्ट फ्री मीठा चाहिए. डाबर हनी खा लो, न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है, और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है. डाबर हनी के फायदे हैं डाबर हनी. फायदा नंबर वन, करेगा इम्यूनिटी बूस्ट. फायदा नंबर टू, करेगा स्टैमिना इम्प्रूव. फायदा नंबर थ्री, करोगे तुम अग्री, हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वांना फ्लाई लाइक द बी. डाबर हनी के फायदे हैं फायदे डाबर. तुम हुस्न परी तुम जाने जा, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवा. क्या रंग खिला, क्या रूप सजा. सवाल याद है ना, इस गीत को लिखा किसने है. बिल्कुल सही जवाब आपने हमें वो भी लिखकर भेजा था कि भाई कविता कृष्णमूर्ति थी फिल्म दिल दे चुके सनम का जो गीत आपने सुना था. और हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि ये जो आप गानों के बीच में सवाल पूछती हैं ये हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज़. चलिए कुमार सानू के साथ आपको मेरी भी आवाज़ अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया. और अगला जो गीत है वो मैं आपको जो सुनवाने जा रही हूँ, या आपके संगीत शुरू हो चुका है, इसके फिल्म का नाम बताना है. लेकिन कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप फिल्मों के बोल जो है उनके लिखकर भेज रहे हैं. और इसमें फिल्म इम्तिहान का गीत सनी देओल और सैफ अली खान, रवीना टंडन, बिल्कुल सही लिखकर भेजा. विरासत में जसपिंदर नरूला ने ये गाना गाया था. और मेरे कमेंट्स को लाइक्स कैसी कैसी बातें आप लिखकर देखते हैं, मैं मुझे तो आपके कमेंट्स को पढ़ना. चलिए वो लाइक करने की बात हमें लिखकर भेजते हैं. ओके
माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में, मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। फिल्म का नाम बताइए। धड़कन सा चलता है ये कैसा रिश्ता है, सही लिखा है शायद नहीं, फिल्म खूबसूरत का ये गीत है। आप में से बहुत से श्रोताओं ने ये लिखकर भेजा है कि कुमार सानू तो किशोर कुमार जी की कमी को बहुत हद तक दूर करने में सफल हुए थे और उन्होंने हमें हमारी जवानी के दिन याद दिला दिए वगैरह वगैरह वगैरह। जवानी याद आ गई, किसी ने लिखा जवानी के दिन याद करा दिए, किसी ने लिखा जवानी याद आ गई। और कितनी खुशी होती होगी आपको अपनी जवानी के दिन याद करके, उन बातों को याद करके और कुमार सानू के गीत को अपने उन जवानी के साथ जोड़ते हुए। मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को पूरी तरह। फिल्म का नाम, सिर्फ फिल्म का नाम। आप लेकर भेजते हैं कि भी इतने सारे प्यारे गीत एक ही कार्यक्रम में कौन सुनाता है, राजश्री सुनाती है ना। और मनोरंजन की ओवरडोज हो रही है, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा मुझे यकीन है। मुस्कुराना तेरा शर्माना नजरें मिलाना, मुझे भी आपके संदेश बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उनका बेटा कुमार जानू भी बहुत अच्छा गाता है। तक नहीं आया तो मैं ही बता दूं, कर्ज दी नहीं, ये फिल्म जो है वो फिल्म गीत जो है वो फिल्म